not a game. It's a rage thing. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं रश्मि, कैसे हैं आप लोग सब? और अभी तो सुबह का काम खत्म हुआ, आधा काम। सुबह न जाने कितना काम रहता है, फिर सुबह के बाद और कुछ काम नहीं रहता है। दोपहर को थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, पर सुबह सुबह अगर यमराज भी आएंगे ना तो हम लोग बोलेंगे थोड़ी देर रुक जा भाई, काम खत्म होने दे, फिर जाएंगे तुम्हारे साथ। बिल्कुल टाइम नहीं है सुबह अभी के लिए लंच बना के। वो ब्रेकफास्ट खा के लंच बना के दे दिया, वो लेकर गए ऑफिस। अब बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी नाश्ता। बच्चों के लिए तो आज सैंडविच ब्रेड लेकर आई थी, तो ब्रेड है तो सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा अलग टाइप का सैंडविच है और मैं इसमें जंप करूंगी। पता नहीं मुझे क्यों इसमें जंप करने में अभी इतना खुशी होता है। ऐसा लग रहा है सारा दिन का वेजिटेबल मना मैं इसमें जंप कर करके रख दूंगी। पर सब तो जैसे छोटा छोटा तो चाप होता है, तो सब तो नहीं होगा। और हम मेरे घर पे तो वेजिटेबल थोड़ा बड़ा बड़ा ही मतलब कुक होता है, बड़ा बड़ा कट करके कुक करती हूँ। और इसमें सिर्फ चॉपिंग होता है, इसे प्याज। और ये सलाद के लिए, रायता के लिए ना बहुत अच्छा है। मैं तो कल रायता दी थी, आज भी दी हूँ। हबी को रायता बहुत पसंद है, तो बोले वाह। और इस टाइप का जो मिक्स करके बनाती हूँ ना इसमें, वो बहुत अच्छा लगता है। प्रॉपर मिक्स होता है पूरा, तो अच्छा लगता है। तो बोले बहुत अच्छा लगा था कल, तो मैं बोला आज भी मैं बना के दे दूंगी। और आज के इसलिए उनके लिए फूल गोभी और आलू का पलाव बनी थी। और इधर तो बहुत ठंडा पड़ गया है, पूरा ठंडा ठंडा कुल क्लाइमेट हो गया। तो बोल रहे अभी दाल चावल मत दो मुझे, ऐसे पलाव पीस पलाव, नहीं तो गोभी का पलाव, कुछ भी ऐसा पलाव टाइप का देते है। तो वो रायता के साथ गरम भी थोड़ा रहता है तो खाने के लिए अच्छा लगता करके बोल रहे हैं। वन पट मील तो अच्छा लगता है। और दाल चावल, दाल तो वैसे ही ठंडा हो जाता है, तब खाएंगे तब ठंडा हो जाता है, तो बोल रहे उतना अच्छा नहीं लगता। ये पलाव ये रायता ऐसे अच्छा लगता है। मैंने ठीक है, दो तीन दिन ऐसे खाएंगे तो अच्छा है, फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। बोलेंगे नहीं दाल चावल दो, जैसा है उनको खाने का मर्जी है वैसा ही कर देती हूँ। और मैं आज बनाऊंगी सलाद नहीं, ब्रेड सैंडविच तो ब्रेड में ही बनता है, सैंडविच बनाऊंगी। पर ये सब पेरी पेरी सॉस और ये मायोनीज, ये सब मिलाकर मैं आज एक अच्छा वाला बनाऊंगी। तो बनाती हूँ, पर इसमें मैं छोटा छोटा कट करके बनाती थी चॉप करके, पर आज मैं इसमें चॉप करके डायरेक्ट बनाऊंगी। और ये ग्रीन चिली भी इसके साथ मैं दूंगी, अच्छा लगेगा। थोड़ा पेपर भी कूट के दे दूंगी क्योंकि मेरे पास पेपर पाउडर खत्म हो गया। इंस्टा पेपर पाउडर तो बहुत अच्छा होता है। उस दिन गई थी पर मैं वो भूल गई, मैं तो हमेशा भूल ही जाती हूँ, भुलक्कड़ हूँ मैं, बहुत भुलक्कड़। तो एक दो चीज तो रह जाता है, शायद सबके साथ ही से होता है। लिस्ट बना के जाती है फिर भी ना रह जाता है, क्योंकि और इतने दिन के बाद मैं गई ना, तो ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितने जन्मों से मैं नहीं गई थी। सारा चीज ऐसे मैं डाल रही थी, बास्केट में डाल रही थी, और ये तो ऐसे देख रहे थे मुझे क्या हो गया तुम्हें। और मेन चीज जो चाहिए वो ही भूल के मैं आ गई, ठीक है। और फिर कब जाके लेकर आ जाऊंगी, नहीं तो ये भी लेकर आ जाएंगे मेरे लिए। तो चलिए फटाफट बनाते हमारा आज ब्रेकफास्ट। और आज लंच में भी मैं बहुत अच्छा कुछ बनाऊंगी। अभी तो ब्रेकफास्ट करके बच्चों को खिला के दे के चली जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने से आने के बाद पूजा खत्म होगा, फिर मैं बनाऊंगी लंच। पर लंच में कुछ आज अच्छा स्पेशल सा रेसिपी जाएगा, भेज ही जाएगा, क्योंकि आज भी थर्सडे है तो आज भी हम लोग भेज खाएंगे। तो हम लगातार दो तीन दिन से खा रहे हैं, खाते हैं वैसे तो नॉर्मली, पूजा के दिन तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो आज भी थर्सडे, आज तो नहीं खाएंगे, कल तो कुछ अच्छा वाला बनाऊंगी मैं। और बच्चों ने भी बोल दिया मामा का चिकन ही बनाना, तो देखते हैं क्या बनाते कल का बात है। पर आज कुछ भेज का रेसिपी जाएगा, बर अच्छा वाला कुछ जाएगा। तो वो ओडिया रेसिपी है,
मैं जब लंच बनाऊंगी तब बताऊंगी। आप पहले फोकस करते हैं सैंडविच के ऊपर। फिर से मैं ब्रेड सैंडविच बोल रही थी सैंडविच के ऊपर। और मैं अभी सैंडविच के लिए पेपर कूट रही हूँ। पेपर डाल दूंगी और हरी मिर्च भी डाल दूंगी और ये पेरी पेरी सॉस ये भी 2 स्पून लगभग डाल दूंगी। फिर अभी मिंट का मायोनीस इसका भी 1.5 स्पून डाल दूंगी। 1.5 से 2 स्पून डाल सकते हैं आप। अब ये ब्लैक सॉल्ट भी डालूंगी और उसको चॉप कर दूंगी। और मैं इसमें कुकुम्बर ऑनियन ग्रीन चिली सब तो ली हूँ। टमाटर आप ले सकते हो पर मैं टमाटर नहीं डाली। सी कितने अच्छे से हो गया है ओनली 10 to 20 सेकेंड में। बस 20 सेकेंड भी बहुत है शायद। बहुत अच्छा है। कितना इजी है इसका ना ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सैंडविच ये सब बनाने के लिए मेरी लाइफ तो बहुत इजी हो गया है। रुको अच्छे से एक बार बोलती हूँ मैं। ये प्रोडक्ट है तो मेरी लाइफ बहुत इजी हो गया है। बहुत आसान हो गया है। तो फिर आप ये चप्पल जरूर खरीदिए। इससे लाइफ बहुत ही इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं अब सैंडविच। तो ये रहा बच्चों का ब्रेकफास्ट। बन के रेडी हो चुका है सैंडविच। अब मैं दे दूंगी बच्चों को। फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। नहाकर आने के बाद पूजा खत्म होने के बाद मैं मेरे लिए बनाऊंगी। मेरे लिए भी वही सैंडविच ही बनाऊंगी। मेरे लिए भी 2 सैंडविच अच्छे से हो जाएगा और गर्म गर्म बनाऊंगी खाऊंगी। क्योंकि मुझे और आधा घंटा लग जाएगा सारा काम खत्म होने के लिए। आधा घंटा 40 मिनट भी लग सकता है। पहले उनको दे देती हूँ, उनका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर चलिए फिर मैं मिलती हूँ लंच टाइम में आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आगे मैं पूरा काम खत्म करके राइस भी बिठा दिया हूँ। और अभी बेटा आ गया था, मम्मा कुछ 2-1 घंटे के ऊपर हो गया है। तो उसको फिर से एक छोटा वाला भूख जो होता है वो लग गया है। तो बोला कुछ खाने के लिए दो, तो मैं 2-3 बनाना और एक लट्टे चोको पाई वो दे दिया। तो वो चलेगी खुशी खुशी में। अभी बैठ के थोड़ा देर वो टीवी देखेगा। अब मैं बनाऊंगी खाना। और आज मैं बोल रही थी कि एक स्पेशल लंच बनाऊंगी करके। स्पेशल लंच मतलब दाल चावल ऐसा तो रहेगा, वो तो कॉमन है। और आज ये परवल बनाऊंगी मैं, परवल की सब्जी। परवल सब्जी तो बहुत टाइप का होता है पर आज मैं उसका खुरमा बनाऊंगी। बहुत अच्छा लगेगा। काजू और प्याज और गिंजर गार्लिक सारे चीज देके टमाटर को थोड़ा फ्राई करके फिर ग्राइंडिंग करके मैं बनाऊंगी। ये पूरा होल परवल बनाऊंगी। मैं दिखाती हूँ कैसे कट करूंगी और इसका रेसिपी बनाऊंगी। आप जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है। हमारे उधर शादी में ये वाला रेसिपी बनता है, ये वाला परवल का ये वाला रेसिपी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो यहाँ पे तो वो सब खाने का सौभाग्य नहीं है हमारे पास, तो हम खुद ही बना के खाते है।
तो चलिए फिर आज बनाते। और परवल कसा भी होता है, कसा तो मैं बनाई थी, पर आज बनाऊंगी परवल खुरमा या पटाटो, इसके साथ ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं डालोगे भी चलेगा, पर हमारा घर में सबको पटाटो थोड़ा ग्रेवी में पसंद है, इसलिए मैं एक दो पटाटो डालूंगी। तो देखिए मैं कैसे कट करती हूँ। सेम ऐसा ही कट करना है, काट के ऐसे तो होल रखना है, बस इसका छिलके को पील करके बीच से दो कट लगाना है, बस उतना ही, ये होल बनता है। अब परवल का ऐसा स्टेम निकाल देंगे, फिर उसका छिलके को निकालेंगे, इसे एक एक रख देंगे लाइन, तो थोड़ा अच्छा दिखने में भी अच्छा लगेगा। सारे परवल का मैं छिलका निकाल दूंगी इस तरह के से। पटाटा को आगे भी छिलका निकाल दूंगी मैं, पटाटा को स्किन पूरा निकाल देंगे। हो गया मेरा पटाटो और आलू का। अब मैं इस तरीके से कट करूंगी, बीच में चीर लगा दूंगी, बस हो गया। पर होल रखेंगे हम परवल को, पटाटो को भी बड़ा बड़ा कट करूंगी तो बाद में करूंगी। इस टाइप का बड़ा बड़ा करके कट कर दूंगी पटाटो को भी, और सारे वेजिटेबल को धो लेंगे अच्छे से। और ये मैं कुछ काजू ली हूँ, अब इसको पानी में भिगो दूंगी, इसको पेस्ट करना है। थोड़ा भिगो दूंगी तो उसका पेस्ट सॉफ्ट बनेगा। और ये थोड़ा गार्लिक, जिंजर, एक ऑनियन बड़ा वाला और एक टमाटर, इसको भी मैं ग्राइंडिंग करूंगी, इसलिए पहले मैं उसका छिलका निकाल के चॉपिंग करके रख दूंगी। चॉपिंग का काम मैं फास्ट कर लेती हूँ, जो जो करना है फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगी। और ये थोड़ा सा जीरा भी मैं दूंगी चॉपिंग के लिए, इसलिए मैं इसके अंदर भिगो दी हूँ, पर मैं लास्ट में निकाल दूंगी। फिर भिगो दिया पानी में, पानी था इसके साथ। तो अब मैं एक बाउल में हल्दी पाउडर, सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर मैं 2 स्पून ली हूँ, और एक थोड़ा सा पानी मिलाकर डालकर अच्छे से हम मिला देंगे। ये पेस्ट करके रखेंगे तो हम जब मसाला बनाएंगे, जब मसाला भुनेंगे तब जलेगा नहीं, इसलिए मैं ये बना के रखती हूँ। अब परवल खुरमा बनाने के लिए रहा परवल, आलू, जिंजर, गार्लिक और ये स्टार अनियंस और दालचीनी, 3 इलायची, इसके अंदर तो काजू है, काजू को मैं सेपरेट निकाल दूंगी, अभी डाल दी हूँ। और थोड़ा दही चाहिए, और ये जो पेस्ट मैं बनाई थी हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, सॉल्ट के साथ, ये पेस्ट इतना चाहिए। और पहले मैं ये ग्राइंडिंग कर दूंगी, टमाटर, अनियन, जिंजर, गार्लिक, स्टार अनियंस, दालचीनी, इलायची। काजू और कर्ड को ग्राइंडिंग करूंगी, बाद में करूंगी। अब ये जीरा का पानी और जीरा एक साथ मिला के मैं ग्राइंडिंग कर दूंगी। काजू को अलग कर रही हूँ, अभी ये पानी डाल दूंगी इसके अंदर। और दही और ये काजू तो मैं बोली थी लास्ट में मैं ग्राइंडिंग करके दूंगी, तो मैं थोड़ी देर के बाद ग्राइंडिंग करूंगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं तेल डाल दूंगी। आप ये सरसों के तेल के बदले में रिफाइंड तेल भी ले सकते हो। मैं सारे परवल को फ्राई करूंगी। अच्छे से फ्राई करना है परवल को। अब एक बड़ा सा प्याज मैं भी फिर चॉप कर रही हूँ।
हो गया मेरा पड़वाल फ्राई, अभी निकाल दूंगी। फिर से मैं और एक लॉट डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर जीरा का और तेजपत्ता का तड़का लगा के पोटैटो को डालूंगी। पोटैटो को थोड़ा अच्छे से फ्राई करके थोड़ा ढक दूंगी, मैं ढक के फ्राई करूंगी। अच्छे से फ्राई करना है पोटैटो को, क्योंकि मैं कच्चा ही डाली हूँ। अब इसके अंदर पे प्याज डाल दूंगी, प्याज को भी अच्छे से भूनूंगी इसके अंदर। लाल होने के बाद ही मैं कोई मसाला डालूंगी। अब मैं इसमें पेस्ट डालूंगी, मैं बड़ा बड़ा 4-5 स्पून डालूंगी, क्योंकि मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है। और मसालों को तो अच्छे से भुनेंगे, जब तक उसका रस स्मेल चला ना जाए तब तक भुनेंगे हम मसालों को। अब मैं ये वाला पेस्ट डालूंगी जो रेड चिल्ली, हल्दी और सॉल्ट का पेस्ट बनाई थी, वो डालूंगी। डाल के फिर से भूनूंगी, थोड़ा पानी डाल के ऐसे उसका मसाला के साथ पानी मिला के फिर डाल दूंगी वो पानी को। वो पानी के साथ भी फिर भूनूंगी अच्छे से। हो गया मेरा मसाला भुनना। अभी उसके अंदर परवल डाल दूंगी, परवल डाल के फिर से 2-3 मिनट भुनूंगी मैं। अब थोड़ी देर ढक के भी भुनूंगी। अब ये काजू और दही का पेस्ट मैं डालूंगी इसके अंदर, डाल के सेम भुनना है हमें। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। पानी तो सूख जाएगा, क्योंकि काजू का पेस्ट डाली हूँ और पोटैटो भी डाली हूँ, तो ये पानी नहीं रहेगा, पूरा सूख जाएगा। और खुरमा थोड़ा ड्राई, मतलब मीडियम सेमी ग्रेवी अच्छा लगेगा, ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा ड्राई भी अच्छा नहीं लगेगा। परवल करी हो गया है, बस अभी उसको 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम दे दूंगी, उसके बाद हम खाएंगे। और यहाँ पे मैं राइस, दाल और थोड़ा पापड़ भी फ्राई कर दिया है, पापड़ सब रख दी हूँ। और दाल तो कल का थोड़ा है, दाल और ये है राइस, राइस थोड़ा एक्स्ट्रा रखी हूँ। आज तो परवल बनाए तो कोई एक्स्ट्रा खाएंगे तो खाएंगे। लाइट में कर लेती हूँ ऑन। अच्छा मम्मा, और वो कहाँ पे बैठे, देखो सब बैठे हैं वेट करके कब खाना बनेगा। और आज बोल रहे अच्छा स्मेल आ रहा है करके। मम्मा कैसा स्मेल आ रहा है? अच्छा। ओके बाबू, ये तो 2-3 बार डाइनिंग में आ गया है, नहीं रखा है अभी हो रहा है, आज आएगा। अभी उसका थोड़ा रिएक्शन दिखाती हूँ, सूंघ रहा है। यम्मी नहीं, बिना खाए हुए ही यम्मी, बिना खाए हुए ही यम्मी। अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए। चलो खाओ। हाँ, एक क्या सब खाना गरम है, निकल के देती हूँ बाबू। ठीक है निकल के, ये कैसे पकड़ोगे तुम, देखो चलो यहाँ पे चलो। ये बाबू बाबू बहुत गर्म है, अब भी हुआ जस्ट। चलो मैं निकलती हूँ, स्पून से मैं देती हूँ बाबू। बहुत गर्म है बाबू। नहीं 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 गर्म है, चलो।
गेम से लेट्स गेम। आओ खाना खाने के लिए आ जाओ, जा टीवी बंद करके आओ। बच्चे आज बहुत खुश है कि मामा ने होटल खुरमा बनाया, तो कहो खाओ मामा, आ जाओ। यो ओके तरकारी दे, दे देती हूँ बच्चे को। मामा बाबू देखा कैसा हुआ है, खाकर बोल लो ठीक है। कैसा हुआ है बोलो, आज मैं उसका उनका रिएक्शन देखना चाहूंगी। कैसा हुआ बोलो, ये देखो कैसा आज वो चोटी बानी इधर एक उधर वहां पे एक चारों तरफ, और ये क्या लगाया सर पे, क्या है मांगो वो पेंसिल, वो जो कलर पेंसिल का वो चिकन का वो है ना स्टिक, वो है चिकन का बम्बू स्टिक है, ये चॉपस्टिक उसको कलरिंग करके कुछ बना के उसको चोटी पे लगाई, वो आंख में आ जाएगा मामा, वो आंख में आ जाएगा, निकाल दो पोटोल देखो कैसा हुआ, देखते हैं बिना खाए हुए टेस्टी खाया है। पोटोल खाओ, पोटोल खाओ, आलू को छोड़ो, आलू का तो सबको पसंद है आलू, बस कैसा हुआ, अच्छा हुआ, वेरी नाइस या नाइस, वेरी नाइस, अच्छा हुआ है। सब दिन करियो, हाँ अभी बोल रहे हैं कि साहब डेली करो, ये डेली करूंगी यार टाइम लगता है उसमें, हाँ करूंगी पर जब पोटल लेकर आऊंगी करूंगी। कम ही परवल में इस टाइप का खुरमा कम बनाती हूँ, ज्यादा कौसा बनाती हूँ, नहीं तो पोटल फ्राई बना लेती हूँ, ऐसे बना लेती हूँ। खुरमा तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत अच्छा हुआ है, हमारा उड़ीसा में शादी में ऐसा ही पोटल बनेगा ही बनेगा, जब शादी होता है तो ये वाला पोटल का रेसिपी जरूर बनता है। और ये मेरे हबी का बहुत फेवरेट है, बच्चों का भी फेवरेट है, हबी तो वेजिटेरियन है ना, तो उनको उनके लिए तो ये बहुत स्पेशल है, आज तो बहुत खुश हो जाएंगे। बीच दोपहर को फोन किए थे, पूछ रहे थे क्या बना रही हूँ, मैं बोला आज एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बताऊंगी नहीं, तो फिर वीडियो कॉल करने लगी, बोल दिखाओ दिखाओ मैं बोला दिखाऊंगी नहीं, जब आओगे तब देखोगे, खाओगे तब देखोगे नहीं, तो फिर खुश होकर आज जल्दी आ जाएंगे ना मामा पापा। इनको पोटल और फूलगोभी ये दो बहुत पसंद है। उसका ये दोनों सींग देख के मुझे इतना हंसी आ रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रही उसका सींग देख पापा। पहले इस टाइप का जो था ना, हम लोग जब छोटे थे तो दो चुट्टी बांधते थे, जब ट्यूशन में बिना होमवर्क किए हुए जाते थे तब हमारे साथ चुट्टी को ऐसे 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 पकड़ते थे, तो वो ऐसे ही बनाया है, मैं आज खींचूंगी इसका चुट्टी। चलो फिर खाना खा कर मिलते आप लोगों के साथ। चलो चिकन लगा दो, चलो चिकन तो वो बोल रहा है अभी एक मिनट से कि मामा आज पोटल पड़वल पोटल बोल रहे, वो उड़िया में बोल रही थी, वो उड़िया में बोल रहा था पड़वल को, उसको चिकन के तरह लग रहा था, तो बोल रहा मामा चिकन पड़वल बहुत अच्छा लग रहा था, चिकन के तरह लग रहा था, और मैं वो पड़वल पूरा आज पूरा होल डाली थी ना,
तो वो लेग पीस सोच कर खा रहा था उसको, तो वो ही बोल रहा था, तो मैं हंस रही थी। तो उसके लिए तो काल बना दूंगी चिकन, वो चिकन को बहुत मिस तो काल बना दूंगी उसके लिए चिकन। अभी तो बोलियो अभी सो जाओ, बहुत हो गया खाना पीना ना बाबू, अभी चल दे सो जाएंगे, मैं भी सो जाऊंगी, मुझे भी काफी नींद आ रहा है। मैं खाना खाने के बाद आधा घंटा हो या एक घंटा हो या 15 मिनट हो, मैं सो देती हूँ, उसको सुलाते सुलाते मैं सो जाती हूँ। और फिर चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ, कुछ नया रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। हाँ प्लीज लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट तो कर रहे हो, और भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे अच्छे अच्छे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अच्छा अच्छा मैं नया नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।